उगाई जाती है। इसमें जो है नेचुरल तरीके या प्राकृतिक वनस्पति पर पशुओं को चराया जाता है। क्या किया जाता है? पशुओं को चराया जाता है। ये यहाँ पर ये पार्ट है ना, थोड़ा सा मिस्टेक है, ये यहाँ पर है ठीक है, तो यहाँ पर इसको हटा लेना। ज्ञातव्य है ये, यहाँ नहीं होगा, ज्ञातव्य है यहाँ होना चाहिए था। तो प्रत्यय, इस प्रकार की खेती में भूमि की जुताई, बुआई, गुड़ाई आदि नहीं की जाती है, ना ही फसलों या का उत्पादन किया जाता है, बल्कि प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे भेड़, बकरी आदि को चराया जाता है। यहाँ पे खराया लगा, चराया जाता है ठीक है। इस प्रकार की खेती ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तिब्बत तथा भारत के पर्वतीय या पठारी क्षेत्रों में भेड़ बकरी चराने के लिए की जाती है। ज्ञातव्य है कि ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भेड़ बकरी रखने वालों को रेंचर की संज्ञा दी जाती है। समझ आया रेंचिंग खेती। नेक्स्ट चलते हैं, मिश्रित खेती की बात करें, मिक्स फार्मिंग में, तो मिक्स फार्मिंग एक प्रकार की डाइवर्सिफाइड फार्मिंग की तरह ही है ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपने फसल तो लगा ही रहे हो, फसल के साथ आपने पशुपालन कर लिया ठीक है, पशुपालन से आपका चलावा नहीं चल रहा, तो आपने साथ में साथ मुर्गी पालन भी कर लिया, मुर्गी पालन भी आपको कम लग रहा था, तो आपने मधुमक्खी पालन भी रख लिया साथ में ठीक है। तो एक से ज्यादा उद्यमों को एक फार्म या पर करना क्या कहलाता है, आपका मिश्रित खेती कहलाता है। समझ आया? हमने क्या किया कि पहले हम केवल फसल कर रहे थे, साथ में साथ में हमने पशुपालन कर लिया, मुर्गी पालन कर लिया, और साथ में हमने क्या कर लिया, या आप सेरिकल्चर कर लिया या मधुमक्खी पालन कर लिया, तो एक से अधिक उद्योगों को हमने अपना लिया ना। तो किस प्रकार की खेती कहलाती है? मिश्रित खेती या मिक्स फार्मिंग कहलाती है। गुड इवनिंग शर्मा जी। मिश्रित खेती के अंतर्गत फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन या डेयरी उद्योग भी किया जाता है ठीक है। भारतवर्ष में कृषि के साथ पशु वर्ग जुड़ा है, क्योंकि पशु खेती में शक्ति के मुख्य स्रोत के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे मुख्य स्रोत के रूप में बताएं तो जैसे आप पशुओं को कोई भी बोझा ढोने के लिए या जुताई के लिए यूज करते हैं, करते हैं कि नहीं, आपने देखा होगा पुराने जमाने, लेकिन अब तो ट्रैक्टर यूज करते हैं ठीक। तो दूध देने वाली गाय व भैंस प्राय प्रत्येक किसान के पास होती है। भारत जैसे देश में जहाँ खेती में मशीनों का प्रयोग कम किया जाता है, मिश्रित खेती एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह एक प्रकार की बहुप्रकारी खेती है, एक पार्ट है इसका बहुप्रकारी खेती है, जिसमें पशुपालन व फसल उत्पादन एक दूसरे पर पूर्णतया निर्भर रहते हैं। ऐसी खेती के अंतर्गत ऐसी खेती के अंदर सहायक उद्यम का कुल आय में कम से कम 10% की हिस्सेदारी होती है। सहायक उद्यम पर उप पदार्थों या बाय प्रोडक्ट का उपयोग उपभोग करता है ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, द टारगेट स्पेसिफिक यूज ऑफ इनपुट्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू क्रॉप रिक्वायरमेंट ऑन लोकलाइज बेसिस इट इज विच टाइप ऑफ फार्मिंग। स्थानीय आधार पर फसल की आवश्यकता के अनुसार फसल उत्पादन के लिए इनपुटों का लक्ष्य विशिष्ट उपयोग करना यह किस प्रकार की खेती है। तो बात करें इनपुटों की, इनपुट जो आपका इनपुट क्या कहलाते हैं, आपके जैसे आपका एक जैसे फर्टिलाइजर हो गया, एग्जाम के रूप में फर्टिलाइजर हो गया ठीक है, या उर्वरक हो गए, प्लस कीटनाशक हो गए ठीक, कीटनाशक हो गए, प्लस सिंचाई हो गई, ये क्या है आपके इनपुट्स हैं। इनपुट्स यानी जो आप खेती में लगाते हैं ठीक, ये हो गए आपके इनपुट। तो एक लक्ष्य विशिष्ट, जैसे आपने मान लिया कहीं पे एक डिजीज फैल रही है या कोई कीट का प्रकोप पड़ रहा है यहाँ पे खेती किसी से, तो यहाँ पे क्या होगा, एक मतलब कि एक क्या है टेक्निकल, जो एक खेती जो है क्या है टेक्निकल है, तो इसमें क्या है एक खेत विशिष्ट में जो है एक लक्ष्य विशिष्ट पर जो स्प्रे कर देंगे कीटनाशक के, या कोई रोग फैला तो आप हमें उस पर आप जो है कोई भी जो आपका एक है फंजीसाइड है, वीडीसाइड, कुछ भी डाल सककर वहां पर हम फसल को बचा सकते हैं ठीक है। तो इस किस प्रकार की खेती है, ऑप्शन ए प्रिसीजन फार्मिंग या यथार्थ खेती,
ऑप्शन बी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सतत कृषि, ऑप्शन सी शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्थानांतरण खेती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। बताइए सही उत्तर क्या होगा, ए बी सी या डी। राइट आंसर क्या होने वाला है बताइए, अर्थात खेती सतत कृषि स्थानांतरण खेती इनमें से कोई नहीं। बात करें सही उत्तर की तो इसका सही उत्तर है आपका यथार्थ खेती या प्रिसीजन फार्मिंग। प्रिसीजन फार्मिंग में जो है आप जो है टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जैसे आपने अभी देखा होगा कि ड्रोन भी आवंटित किए गए हैं, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन जो है आवंटित किए गए हैं कुछ क्षेत्र में। तो ड्रोन के थ्रू क्या होगा कि टेक्नोलॉजी का यूज करके, कंप्यूटर्स का यूज करके जो आपकी खेती है उसे टेक्निकल करें। तो जहां पर आपका कोई भी डिजीज है, कोई भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, तो वहां पर जो है विशिष्ट प्रकार से आप क्या करेंगे, जो इनपुट्स है या जो कीटनाशक का छिड़काव करना है, कोई न्यूट्रिएंट है उसको न्यूट्रिएंट का छिड़काव करना है, तो आप क्या है प्रिसीजन फार्मिंग जो एक स्पेसिफिक मतलब कि एक निश्चित स्थान पर जो एक निश्चित विशिष्ट लक्ष्य को समझ रहे हो ना, विशिष्ट लक्ष्य को जो है टारगेट करें, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है प्रिसीजन फार्मिंग। समझ आया तो नेक्स्ट चलते हैं, इसका उत्तर हो गया प्रिसीजन फार्मिंग। नेक्स्ट है आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है आपका, सतत कृषि बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए, बिना कोई सामाजिक या कोई भी संसाधन का क्षरण करे या कोई भी जो चीज है उसको नुकसान पहुंचाए हम खेती जो करते हैं या जो उत्पादकता उसको बनाए रखते हैं या उत्पादक या उपयोगिता है उसको, जो भूमि है या मृदा है जो जिसमें हम जो भी हम रिसोर्स यूज करते हैं, चाहे वो एनवायरमेंट से हो चाहे वो हम वायुमंडल से लेते हो, उसको बनाए रखते हैं, वो क्या कहलाती है आपकी सतत कृषि या सस्टेनेबल। डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन है एक कृषि प्रणाली जो अनिश्चित काल तक समाज के लिए अपनी उत्पादकता और उपयोगिता को बनाए रखते हैं, जो उसकी उत्पादकता है उपयोगिता है उसको बनाए रखते हैं में सक्षम है, और संसाधन संरक्षण सामाजिक रूप से सहायक और व्यवसायिक रूप से प्रतिस्पर्धी है, और पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ होनी चाहिए, वो क्या कहलाती है आपकी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सतत कृषि कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, क्रॉप्स विच रिक्वायर प्रिपरेटरी टिलेज नोन एज, वे फसलें जिन्हें प्रारंभिक जुताई की आवश्यकता होती है कहलाती हैं। ऑप्शन ए एरेबल क्रॉप, ऑप्शन बी कैच क्रॉप, ऑप्शन सी कवर क्रॉप, ऑप्शन डी स्मूदर क्रॉप। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर, ए बी सी या डी, जुताई योग्य फसल, कैच फसल, आवरण फसल या दबाने वाली फसल। बात करें सही उत्तर की तो इसका सही उत्तर है आपका एरेबल क्रॉप या जुताई योग्य फसल। वे फसलें जिन्हें प्रारंभिक जुताई की आवश्यकता होती है वह कौन कहलाती है, एरेबल क्रॉप या जुताई योग्य फसलें कहलाती हैं, ठीक है। अब बात करें कैच क्रॉप की, तो कैच क्रॉप वे फसलें होती है क्या होती है, कम अवधि की, एक तो एक कम अवधि की फसलें होती है, क्या होती है एक मिनट पहले ले। एक तो एक कम अवधि की फसलें होती है, कम अवधि की फसलें होती है, जैसे आपने एक मैन क्रॉप लगाई, मान लो उर्द लगाया, उर्द तो गलत एग्जाम्पल होगा, एक मिनट रुक जाइए, मान लीजिए आपने चना लगाया, ठीक है, ये आपका हो गया खराब किसी कारणवश, मौसम से या किसी कारणवश आपका चना, चने की फसल हो गई बिगड़ गई, ठीक है, तो आपको अब नया सीजन पकड़ना है, जायद को पकड़ना है, तो आपको क्या करना होगा कि कम अवधि वाली फसल को लगानी होगी, कोई कैच क्रॉप लगाई होगी, तो हमने लगा दी मूंग। मूंग क्या होती है आपकी, लगभग 90 दिन की होती है, 3 महीने की होती है, जब तक हमारा अगला सीजन आएगा तब तक हमारी मूंग तैयार हो जाएगी, ठीक है। हमारी जैसे मान लो दिसंबर में हमारा चना खराब हो गया, दिसंबर में हमने मूंग लगा दी, तो दिसंबर से जनवरी फरवरी मार्च में जब हमारा चना पक के तैयार होगा तब तक हमारी मूंग पक के तैयार हो जाएगी। आजकल मूंग की ऐसी वैसी वैरायटी होती है, वो रबी में भी होती है, खरीफ में भी होती है और जायद में भी होती है, ठीक है, तो कोई टेंशन की बात है नहीं, ठीक। हमें लग रहा है क्रॉप क्लास डिस्कनेक्ट हो गई है क्या, नहीं हुई है, तो एरेबल क्रॉप जुताई योग्य फसल इसका सही उत्तर हो गया। अगला है कवर क्रॉप या आवरण फसल, तो कवर क्रॉप जैसे मिट्टी का जो
आपका कटाव है उसको कम करने के लिए, या जो मिट्टी का दोहन है उसको कम करने के लिए, जो मिट्टी के ऊपर हम आच्छादन करते हैं, जो आच्छादन डालते हैं उसे क्या कहते हैं, कवर या आवरण फसल कहते हैं, ठीक है। जो मतलब कि जिसको मिट्टी के कटाव को बचाने के लिए उगाया जाता है वो आवरण फसल कहलाती है। एक होती है स्मूदर क्रॉप, ये क्या होती है, ये फास्टली ग्रो करते हैं। स्मूदर क्रॉप कैसे होते हैं, फास्टली ग्रो करते हैं, जो फास्टली ग्रो करके या बढ़कर या जल्दी जल्दी बढ़कर, ये क्या कहते हैं, जो बीड्स होते हैं, जो आपके खरपतवार होते हैं उनके जो है उत्पादन को या उनके जो ग्रोथ को रोक देती है। जैसे मान लो ये आपका पौधा हो गया, जैसे यहाँ पर देखें, एक मिनट, ये आपका पौधा है फसल का, ये जल्दी बढ़कर इतना बड़ा और ये बीड्स जो है यहाँ से निकल रहे हैं, अब इन्हें सनलाइट नहीं मिलेगी या जो भी है तो नहीं मिलेगी सनलाइट, तो ये क्या हुआ, इनकी ग्रोथ क्या हुई, कम हो जाएगी, तो ये क्या कहलाती है, स्मूदर दबाने वाली फसल इन्हें कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तो बात करें अगली क्रॉप है रिस्टोरेटिव क्रॉप। रिस्टोरेटिव क्रॉप में पुनर्स्थात्मक फसलें, वे फसलें हैं जो मिट्टी की उर्वरता या मिट्टी की वायुमंडलीय नाइट्रोजन, मिट्टी की उर्वरता या मिट्टी की वायुमंडलीय नाइट्रोजन, रिस्टोरेटिव क्रॉप क्या कहलाती है, वे फसलें जो मिट्टी की उर्वरता या मिट्टी की उर्वरता के संवर्धन या बढ़ाने के साथ साथ अच्छी उपज प्रदान करती हैं, वे जड़ों की गांठों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, पकने के बाद अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं और इस प्रकार मिट्टी की स्थिति का सुधार कर देते हैं। जैसे दालें, जैसे आपने कोई भी फसल उगाई, मान लो आपने कोई सीरियल क्रॉप उगाई, गेहूं उगाया, चना, कोई भी उगाई फसल, ठीक है, तो वो क्या हो गया कि आप वो क्या कैसी फसलें होती है, आपके न्यूट्रिएंट को दोहन करती है, न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करती है, ठीक है। लेकिन जो आपकी दाल वाली फसलें होती है वो आपको न्यूट्रिएंट्स को जो है मिट्टी में इनकॉर्पोरेट करती है, मिलाती है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने दाल वाली फसलें उगा ली, तो इससे क्या होगा कि जो हमने सीरियल या जो धान्य फसलें उगा के मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट लिए थे वो हमने वापस कर दिए मिट्टी को, तो ये क्या कहें, रिस्टोरेटिव क्रॉप के जो दालें हैं वो क्या कहलाती है, रिस्टोरेटिव क्रॉप कहलाते हैं। अगला है नर्स क्रॉप, जैसे आपका ये फसल चक्र है, ठीक है, ये आपका फसल है, तो उसके बीच बीच में हमने रो में एक नर्स, एक ऐसी क्रॉप लगा दी जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करे फसल को, तो वो क्या कहलाती है, नर्स क्रॉप कहलाती है। डेफिनेशन पढ़ते हैं, एक साथ फसल जो मुख्य फसल को नाइट्रोजन स्थिरीकरण और या मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ जोड़कर पोषण करती है, उदाहरण के लिए अनाज के साथ लोबिया, चाय में ग्लिसिरिडिया या टेप्रोसिया, ठीक है। अगला है ऑग्यूमेंटिंग क्रॉप या संबंधित फसलें, वे फसलें जिन्हें मुख्य फसल की उपज की पूर्ति के लिए बोया जाता है, उदाहरण के लिए बरसीम की चारे की उपज बढ़ाने के लिए बरसीम के साथ साथ सरसों या गोभी, जैसे कोई चीज मतलब कोई फसल है उसके जो है उपज को बढ़ाना है, मतलब की उपज की, जैसे हम एक क्रॉप बो रहे थे, ठीक है, तो उसके साथ हमने दूसरी क्रॉप लगा दी, तो इससे क्या होगा कि एक क्रॉप का प्रोडक्शन तो मिल ही रहा था हमें साथ साथ दूसरी का, जैसे बरसीम का हमें प्रोडक्शन मिल रहा था लेकिन साथ साथ हमने उसके सरसों लगा दी, तो क्या होगा कि डबल प्रोडक्शन हो गया ना, बरसीम का प्रोडक्शन तो हमें मिल ही रहा था साथ साथ हमें सरसों मिल गई, तो इससे क्या होगा जो क्रॉप है उसका जो है प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो ये ऑग्यूमेंटिंग क्रॉप क्या है, संबंधित फसलें कहलाती है। अगला प्रश्न है ग्रोइंग ऑफ फील्ड क्रॉप्स इन बिटवीन टू वाइडली स्पेस रो ऑफ फास्ट ग्रोइंग ट्री इज नोन एज, तेजी से बढ़ने वाले पेड़ों की दो व्यापक दूरी वाली कतारों के बीच क्षेत्र फसलों को उगाना कहलाता है। ऑप्शन ए रो क्रॉप क्रॉपिंग पंक्ति फसल, ऑप्शन बी स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग पट्टी अंतर फसल, ऑप्शन सी रिले इंटरक्रॉपिंग या रिले अंतर फसल, ऑप्शन डी एलए क्रॉपिंग। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर, ए बी सी या डी, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए क्या होने वाला है इसका सही उत्तर, रो क्रॉपिंग या पंक्ति फसल ऑप्शन बी, स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग पट्टी अंतर फसल ऑप्शन सी, रिले अंतर फसल ऑप्शन डी गली क्रॉप। बात करें सही उत्तर की तो इसका सही आंसर एलए क्रॉपिंग या गली फसल, एलए क्रॉपिंग या गली फसल। बात करें एले क्रॉपिंग की तो जो आपके पेड़ होते हैं, जैसे आपने ये पेड़ों की रो है, ठीक है, ये पेड़ लगे हुए हैं, इसके बीच में हमने क्या लगा दिया, क्रॉप्स लगा दी, ये पेड़ लगे उसके बीच में हमने फसल लगा दी, तो उससे क्या होगा कि जो यूज है, जो जगह है, जो स्थान है उसका यूज हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या है, एले क्रॉपिंग। पढ़ते हैं डेफिनेशन को,
मुख्य रूप से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने और मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए मुख्य रूप से यूकेलिप्टस, सुबबूल और कैसिया की कतार से बने मार्ग में शकरकंद, उड़द, हल्दी और अदरक जैसी फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, कोई भी मतलब की पेड़ है उसके बीच में हमने कोई भी क्रॉप उगाए तो क्या कहलाएगा, एले क्रॉपिंग, मतलब जो ट्री की रो है कतारें उनमें हमने फसल लगाए तो क्या कहलाए, एले क्रॉपिंग। अब समझते हैं कि ट्रैप क्रॉप क्या कहलाता है। ठीक है, ट्रैप क्रॉप क्या कहलाता है, लाइव से वीडियो हट गई है बट हम ऐड कर देंगे बाद में। बात करें ट्रैप क्रॉप की, वे फसलें जो मृदा जनित हानिकारक परजीवी खरपतवार फंसाने के लिए उगाई जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो टमाटर होता है उसके चारों ओर, ऐसे ही हमारा टमाटर की फील्ड है उसके चारों ओर हमने क्या लगा दिया, गेंदे के फूल को लगा देते हैं, तो जिससे जो फ्रूट बोरर है जो टमाटर की फ्रूट में जो छेद करते हैं तो वो क्या है कि अब किस पे डाइवर्ट हो जाएंगे, वो डाइवर्ट हो जाएंगे आपके मैरीगोल्ड पे या गेंदे पे, तो वो क्या कहलाती है, ट्रैप क्रॉप कहलाती है, जो किसी कीट को, किसी खरपतवार को, किसी रोग को फंसाने के लिए यूज है। तो पढ़ते हैं, देखते हैं, वे फसलें जो मृदा जनित हानिकारक परजीवी खरपतवारों को फंसाने के लिए उगाई जाती है, उदाहरण के लिए ओरोवेंचे और स्ट्रेगा क्रमशः सोलेनेसियस और सोरघम फसलों द्वारा फंस जाते हैं, नेमेटोड सोलेनेसियस फसलों द्वारा फंस जाते हैं, फसल के पौधों को उखाड़ने पर नेमेटोड मिट्टी से हटा दिए जाते हैं, कपास में अरंडी मूंगफली आर्मवर्म कीट के लिए फसल का काम करती है। ठीक है, या ट्रैप फसल का काम करती है, या ट्रैप फसल का काम करती है। अगला है कवर क्रॉप, आच्छादित फसलें इसलिए उगाई जाती है क्योंकि मृदा का जो कटाव है, मृदा का क्षरण है, उसको रोकने के लिए हम किसको कवर क्रॉप्स उगाते हैं, जिससे क्या होगा कि जो उनके बड़े पत्ते हुए, जो पत्ते हुए उससे भी मिट्टी ढक जाएगी, मिट्टी ढक जाएगी तो जो रेन ड्रॉप्स है, बरसात की बूंदें हैं, वो डायरेक्ट मिट्टी पर नहीं ना गिरकर सीधा बह जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, कटाव मिट्टी, अगर ये देखो जैसे ये आपका मिट्टी का कण है, ठीक है, इस पर अगर की बारिश की बूंदें गिरती है तो ये क्या हो जाता है, बिखर जाता है, ऐसे ऐसे बिखर जाए, एक कणों में टूट जाएगा। ठीक है, अभी पहले तो ये बंधा था, अब कणों में टूट गया, तो पहले बहेगा ज्यादा कि अब बहेगा ज्यादा, अब ज्यादा बहेगा क्योंकि अब इसके कण टूट चुके हैं, क्योंकि पहले तो पूरा बंधा हुआ था अच्छे, तो पहले टूटा नहीं था, तो पहले नहीं मतलब बह सकता इतना, लेकिन अब बह जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कवर क्रॉप को, आच्छादित क्रॉपों को उगाते हैं, जिससे कि उसका जो पत्तियां हैं, उनका जो छतरा है या कैनोपी है, उससे जो है आपकी जो मिट्टी है उसको जो है कटाव से बचा सके या क्षरण से बचा सके। तो बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन है बेफसली पौधे जो मिट्टी की सतह को क्षरण, हवा, पानी या दोनों से बचाने से में सक्षम होते हैं, जो उनकी जमीन को ढकने वाले पत्ते और या जड़ की चटाई के माध्यम से होते हैं, जैसे मूंगफली, उड़द दाल, मार्बल, घास, शकरकंद आदि। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न है, ग्रोइंग ऑफ फोर क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड इन अ ईयर इन सच अ मैनर दैट द फॉलोइंग क्रॉप इज सोन बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ प्रोसीडिंग क्रॉप नोन एज। एक वर्ष में एक ही भूमि पर चार फसलों को इस प्रकार उगाना कि पिछली फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल बोई जाती है जा सके, जिसे कहते हैं ऑप्शन ए रो क्रॉपिंग, ऑप्शन बी स्टब इंटरक्रॉपिंग, ऑप्शन सी रिले इंटरक्रॉपिंग, ऑप्शन डी एले क्रॉपिंग या गली फसल। बताइए क्या होगा उत्तर, ए बी सी या डी क्या आने वाला है, पंक्ति फसल, स्ट्रिप या पट्टी अंतर फसल, ऑप्शन सी रिले अंतर फसल, ऑप्शन डी गली फसल या एले क्रॉपिंग। बात करें, ये हम पहले पढ़ के आए हैं कि हम एक वर्ष में कटाई से पहले दूसरी फसल बो देते हैं, पढ़ा था ना अभी अभी, पढ़ के आए थे ना, तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा, इसका आंसर है आपका रिले क्रॉपिंग अंतर फसल या रिले अंतर फसल या रिले इंटरक्रॉपिंग या रिले अंतर फसल, इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्रॉप्स ग्रो ऑन अलोंग इरिगेशन एंड ड्रेनेज चैनल आर कॉल्ड एज, सिंचाई और जल निकासी चैनल के साथ उगाई जाने वाली फसलें कहलाती हैं। ऑप्शन ए कैच क्रॉप, ऑप्शन बी कवर क्रॉप, ऑप्शन सी राइपेरियन क्रॉप, ऑप्शन डी स्मूदर क्रॉप।
ऑप्शन ए कैच फसल, ऑप्शन बी आवरण फसल, ऑप्शन सी नदी तट की फसलें, ऑप्शन डी दबाने वाली फसलें। बताइए सही उत्तर क्या होगा, ए बी सी या डी। बात करें सही उत्तर की तो इसका सही उत्तर है आपका नदी तट की फसलें या राइपेरियन क्रॉप्स कहलाती है। सिंचाई और जल निकासी चैनल के साथ उगाई जाने वाली फसलें कहलाती हैं आपकी नदी तट की फसलें या राइपेरियन क्रॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 है अ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप इन बिटवीन टू मेन सीजनल क्रॉप्स इज नोन है, दो मुख्य मौसमी फसलों के बीच में आने वाली छोटी अवधि की फसल कहलाती है। ए भी अभी अभी पढ़ के आए हैं, ऑप्शन ए एरेबल क्रॉप जुताई योग्य फसल, ऑप्शन बी कैच क्रॉप कैच फसल, ऑप्शन सी कवर क्रॉप आवरण फसल, ऑप्शन डी एले क्रॉपिंग गली फसल। बताइए क्या हुआ सही उत्तर, ए बी सी या डी। बात करें इसकी तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि कैच क्रॉप जो है कम अवधि की छोटी अवधि वाली फसल होती है लेकिन दो मुख्य मौसमों के बीच में उगाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, कैच क्रॉप। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कैच क्रॉप। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न द फार्मिंग सिस्टम यूज्ड टू डेवलप द मास प्लैनेट अकॉर्डिंग टू द अर्थ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, पृथ्वी के वातावरण के अनुसार द्रव्यमान या ग्रह को विकसित करने के लिए उपयोग की जाने वाली कृषि प्रणाली कहलाती है। ऑप्शन ए स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, ऑप्शन बी टेरा फार्मिंग, ऑप्शन सी हाइड्रोपोनिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए विशिष्ट खेती होगी, टेरा खेती होगी, हाइड्रोपोनिक्स होगा। क्या है, पृथ्वी के वातावरण के अनुसार, मतलब कि जो आपका वातावरण पृथ्वी है उसके अनुसार हमने क्या है ग्रहों पर या जो आपके ग्रह हैं जो आपके जैसे जैसे चंद्रमा चंद्रमा मून पर आजकल, तो ग्रहों पर जो खेती की जाती है। ठीक है, खेती हमने जो वातावरण हमारा पृथ्वी है वही वातावरण हमने ग्रह पे बना लिया, चंद्रमा पे बना लिया, तो वो किस प्रणाली, कौन सी प्रणाली है खेती की। ऑप्शन ए विशिष्ट खेती, बी टेरा हाइड्रोपोनिक। बताइए ए बी सी डी क्या होगा इसका सही उत्तर। बात करें सही उत्तर की तो ये कहलाती है आपकी टेरा फार्मिंग। टेरा फार्मिंग क्या होता है, जो प्लैनेट होते हैं जो आपके ग्रह होते हैं तो उस पर जो है पृथ्वी जैसा वातावरण बनाकर वहां पर खेती की जाती है। ठीक, बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला प्रश्न है कल्टीवेशन ऑफ टू और मोर देन टू क्रॉप्स ऑफ डिफरेंट हाइट सिमुलेटरसली ऑन अ सर्टेन पीस ऑफ लैंड इन एनी सर्टेन पीरियड इज कॉल्ड एज, किसी निश्चित अवधि में भूमि के एक निश्चित टुकड़े पर एक साथ विभिन्न ऊंचाई की दो या दो से अधिक फसलों की खेती कहलाती है। ऑप्शन ए रो क्रॉपिंग या पंक्ति फसल, ऑप्शन बी स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग पट्टी अंतर फसल, ऑप्शन सी मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग या बहुमंजर, ऑप्शन डी रिले इंटरक्रॉपिंग या रिले अंता फसल। बताइए क्या होगा उत्तर, ए बी सी या डी। बताइए जल्दी से लगाइए टिक कमेंट बॉक्स में, ए होगा बी होगा सी होगा डी होगा। बात करें सही उत्तर की, किसी निश्चित अवधि में भूमि के एक निश्चित टुकड़े पर एक साथ विभिन्न ऊंचाई की फसलें, तो यहाँ पर देखो एक अच्छा उत्तर मिल रहा है, मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग बहुमंजिला फसल जो है आपका ये सही उत्तर है, जो इसका आंसर है क्या है, मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग या बहुमंजिला फसल। ये जो है रो इंटरक्रॉपिंग जो है अनस्ट्रिप जो रिले पढ़ चुके हैं आगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा इन दिस सिस्टम, इस प्रणाली में द फार्मर हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार का जो किसान का राज्य सरकार से सीधा संबंध होता है, ही हिमसेल्फ इज द ओनर ऑफ द लैंड एंड ही गेट्स द राइट ऑफ परमानेंट एंड कैस्टल एंड ट्रांसफर, ही गिव्स द प्रिस्क्राइब्ड टैक्स टू द स्टेट, द फार्मर डज द एग्रीकल्चर वर्क ऑन हिज ओन बेस। यह प्रणाली में किसान का राज्य सरकार से सीधा संबंध होता है, वह स्वयं भूमि का मालिक होता है और उसको स्थायी पैतृक व हस्तांतरण के अधिकार प्राप्त होते हैं, वह निर्धारित माल गुजारी राज्य को देता है, कृषि कार्य किसान अपनी इच्छा से करता है। बताइए कौन सी टाइप की खेती है, ऑप्शन ए स्टेट फार्मिंग राजकीय खेती, ऑप्शन बी कैपिटलिस्टिक फार्मिंग पूंजीवादी खेती, ऑप्शन सी पीजेंट फार्मिंग काश्तकारी खेती, ऑप्शन डी कोऑपरेटिव फार्मिंग या सहकारी खेती। सही उत्तर क्या होगा, ए बी सी या डी। बताइए जल्दी से, बात करें सही उत्तर की, उसका सही उत्तर है काश्तकारी खेती या पीजेंट फार्मिंग कहते हैं। ठीक, इसका सही उत्तर क्या है, पीजेंट फार्मिंग या काश्तकारी खेती। अगला प्रश्न है हिल एंड माउंटेन स्लोप्स आर कट टू फॉर्म टेरेसेस एंड द लैंड इज यूज्ड इन द सेम वे एज इन परमानेंट एग्रीकल्चर,
पहाड़ी और पर्वतीय ढलानों को काटकर चबूतरे का निर्माण किया जाता है और भूमि का उपयोग उसी तरह किया जाता है जैसे स्थायी कृषि में किया जाता है। जैसे ये आपका एक पहाड़ है, ठीक है, मान लो एक पहाड़ है, हमने इसे ऐसे कट लगाया, एक ऐसे कट लगाया, सीढ़ी नुमा बना दिया, ठीक। तो नंबर ए इसका उत्तर क्या हुआ, ए टेरेस फार्मिंग सीढ़ीदार खेती, ऑप्शन बी कंटूर फार्मिंग समोच्च खेती, ऑप्शन सी सब्सिस्टेंट फार्मिंग या जीविका खेती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए सही उत्तर क्या होगा, ए बी सी या डी, क्या होगा इसका सही उत्तर, सीढ़ीदार खेती होगा, कंटूर फार्मिंग समोच्च खेती होगा, जीविका खेती। बात करें सही उत्तर की तो इसका ए ऑप्शन सही है, सीढ़ीदार खेती से कहते हैं, क्या है इसका, सीढ़ीदार खेती कहते हैं, टेरेस फार्मिंग कहते हैं। अब जो आपका कंटूर फार्मिंग होता है वो क्या होता है, इसमें कंटूर फार्मिंग में जो आपका जो स्लोप होता है, जो आपका जो बात कहें तो जो आपका जो स्लोप होता है पहाड़ी का स्लोप होता है वो कम होता है। मतलब कि जैसे ये आपका पहाड़ है, ये कंटूर लाइंस बनी हुई है, इनके अकॉर्डिंग हम खेती करते हैं तो क्या कहलाता है आपका, समोच्च खेती कहलाता है। जीविका खेती वह कहलाती है जो अपने घर के जो मतलब जो घर का भरण पोषण के लिए अपने घर की जीविका चलाने के लिए की जाती है, वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहलाती है, जीविका खेती कहलाती है, कि मतलब ओनली घर का खाने का चल जाए बाकी हमें बेचने का नहीं है, ठीक है, तो क्या कहलाती है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहलाती है, जीविका खेती कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग मैंने बता दिया है आपको, टेरेस फार्मिंग क्या कहलाता है, सीढ़ीदार कृषि में पहाड़ी और पहाड़ी ढलानों को काटकर छत बना दिया जाता है या सीढ़ी बना दिया जाता है और भूमि का उपयोग उसी तरह किया जाता है जैसे स्थायी कृषि में किया जाता है। समतल भूमि की उपलब्धता की कमी के कारण समतल भूमि के छोटे छोटे टुकड़े प्रदान करने के लिए छतों का निर्माण किया जाता है। यह पहाड़ी ढलानों पर छत के निर्माण के कारण मिट्टी के कटाव को रोकने का भी एक प्रभावी तरीका है, ठीक है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज स्मूदर क्रॉप, दबाने वाली फसल क्या कहलाती है। ऑप्शन ए एक प्रकार की आवरण फसल जो किसी प्राथमिक फसल के पास उस क्षेत्र में खरपतवार की वृद्धि को रोकने के लिए उगा लगाई जाती है। ऑप्शन बी एक प्रकार की आवरण फसल जो किसी प्राथमिक फसल के पास उस क्षेत्र में खरपतवारों की वृद्धि को बढ़ाने के लिए लगाई जाती है। ऑप्शन सी एक प्रकार की फसल जो अपरदन को रोकने में सहायक होती है। ऑप्शन डी एक फसल जो आसानी से प्रभावित होती है। बताइए क्या होगा उत्तर, ए बी सी या डी, क्या होने वाला सही उत्तर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, जल्दी से बताइए। बात करें सही उत्तर की तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए एक प्रकार की आवरण फसल जो किसी प्राथमिक फसल के पास उस क्षेत्र में खरपतवारों की वृद्धि को रोकने के लिए लगाई जाती है। स्मूदर क्रॉप हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, जो ये जल्दी उगने वाली होती है, खरपतवारों की वृद्धि को रोकती है, ठीक है। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। और एक आपको न्यूज, जैसे हमारा सामान्य कृषि का जो है 8 क्लासेस हो चुकी हैं, पूरा पूरा सामान्य कृषि हुआ है, तो इसके हमने 150 क्वेश्चन जो है 150 सॉल्व क्वेश्चन है, आप 130 लिखा 150 जो है सॉल्व क्वेश्चन आपको मैंने प्रोवाइड किए हैं। ये पीडीएफ है, इसका विस्तृत व्याख्या है, मतलब कि फुल डिस्क्रिप्शन है भैया इसका, आपको कहीं से भी एक क्वेश्चन के साथ आपके 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो इसकी कीमत जो है आपकी 25 रुपी, आप इस QR पे पे करके इस पे आप इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं आपको वैसे ही PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन एग्री अकेडमी। अगर कि आपको विजन एग्री अकेडमी के लेक्चर अच्छे लग रहे हैं ना, तो प्लीज सब्सक्राइब विजन एग्री अकेडमी एंड लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट टाइम अपने सेम टाइम पर, सुबह या दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे अपना टाइम है क्या, दोपहर 12 बजे का।